बुलडोजर चलाने जैसे काम अराजक तत्व गुंडे मवाली करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य उन सब लोगों पर एक करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं कोर्ट कचहरी को ताक पे रख के बुलडोजर की गंदी राजनीति कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए, और उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरिफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए, उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य उन सब लोगों पर एक करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं कोर्ट कचहरी को ताक पे रख के बुलडोजर की गंदी राजनीति कर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरत की तरह जो बुलडोजर को यूज किया जा रहा था एक समुदाय विशेष के खिलाफ, एक वर्ग विशेष के खिलाफ, उस पर रोक लगाई है। ये असलियत है कि बुलडोजर चलाने जैसे काम अराजक तत्व गुंडे मवाली करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। मैं आशा करती हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उनकी जो सस्ती कॉपीज बीजेपी में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक है, वो लोग इस तरह की हरकत करने से अब बाज आएंगे। बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है, किसी का आशियां उड़ाना असंवैधानिक है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और आज के फैसले के बाद ये पूरी तरह से बंद होना। सारे पिटिशंस को लेकर के पहले ही जो सॉलिसिटर जनरल्स हैं उन्होंने पहले टाइम ग्रांट करने के लिए बोला था कि हमें 2 वीक का टाइम दे दिया जाए। उसमें हम लोगों ने जो आर्ग्यूट किया, क्योंकि भीलवाड़ा जो राजस्थान का एरियाज है, वहां पर कई जगह पर बुलडोजर परसों लगाए गए हैं, और बुलडोजर्स के माध्यम से वहां पर कई प्रॉपर्टीज एरियाज को डेमोलिश कर दिया गया। जब कोर्ट ने 2 सितंबर को ऑर्डर पास किया था, और यहां पर एफिडेविट भी तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने दिया हुआ था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने किया। ये एक ग्राउंड था, और यह कोर्ट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपके ऑर्डर की कोई अहमियत ये लोग नहीं रखते हैं, और आपके ऑर्डर पास होने के बावजूद भी ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट किया था कि जो जलगांव में हुआ तो उन्होंने बोला कि ये इस तरह से नहीं है, हमने पूरे सारी चीजों को कवर किया है, पर हम लोगों ने यह बोला कि लॉर्डशिप यू डिड नॉट फाइल देयर, इन्होंने 4-5 प्रोसेस को नहीं फॉलो किया है, बिकॉज देयर इज द नॉट ज्यूडिशियल पावर हैविंग द डीएम्स, डीएम के पास कोई ऐसी ज्यूडिशियल पावर्स नहीं थी जो उन्होंने डेमोलिश किया है। ये किसी मस्जिद को लेकर के या धर्म को लेकर के था, इन सारी चीजों को लेकर के, तो कोर्ट ने, तुषार मेहता जी ने फिर से बोला कि नहीं, मैंने ये किया है, फॉलो किया है, पर सच्चाई ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब कोर्ट ने सारी चीजों को, दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे, इस ए कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन फर्स्ट। सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेड़ी पटरी ये सब है, या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है, तो आप उस तरह से एक्शन नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब काफी व्यापक शब्द है, क्योंकि वो जो लीगल सीआरपीसी का प्रोसेस होता है, आपको नोटिस देना है, कोर्ट के संज्ञान में देना है, ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये आपने नहीं किया, इसका मतलब है इस इलीगलिटीज हैज बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदर आर द होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजों के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे, और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। अब बात आती है कि इस बीच में जैसे इन्होंने 2 सितंबर के ऑर्डर्स को फॉलोस नहीं किया है,
बाद में बीच में कुछ करते हैं तो फिर ये कंटेम्प्ट पिटीशन के लिए तैयार रखे। जैसे कि मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि जो हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिटीशन फाइल किया था उसमें चार हमारी मेन प्रेयर्स थी, जिसमें जितने भी डीएम और एसपी जो है, डीएसपी जो भी है पूरे नेशनल के, जिसमें 11 राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन राज्यों के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। साथ में मैंने यह भी बोला है कि जिन लोगों के ये बिना कोर्ट के कंसर्न के ऐसा इन्होंने घर गिराया है तो उनके ऊपर ये पूरा कंपनसेशन इनका अलाउ होना चाहिए।